Yo, what's up guys, कैसे हो आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने गेमिंग यूट्यूब चैनल पे यार। तो चले गए, आज हम फिर से आ चुके हैं ड्रैको मास्टर के एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, जिसमें आपने पिछली वाली वीडियो में देखा कि हमें एक बंदे ने, एक टीम मैग्मा के बंदे ने हराया हमारे सारे पोकेमोन को चुन चुन कर। आज हम फिर से जाएंगे उसी बंदे के पास अपना बदला लेने के लिए। अपने पोकेमोन की पहले हम ट्रेनिंग करेंगे, स्टार अप करेंगे, फिर बाद में हम उसी केव के पास जाके उस बंदे को सबक सिखाएंगे यार। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं यार, लेट्स गो। तो फटाफट से हम अपने पोकेमोन की अपग्रेड, स्टार अप और रैंक अप सारा कुछ कर लेते हैं। हमने 4 मिलियन और सेकेंड पोकेमोन अपने एरोडैक्टाइल को, और बाद में हम फिर से मेगा एरोडैक्टाइल को हराने के लिए जाएंगे यार, लेट्स गो। तो यार हमने फटाफट से अपने पोकेमोन की सारा कुछ रैंक अप, स्टार अप और अपग्रेड हमने कर दिया। तो चले फटाफट से हम जाएंगे उसी केव के पास, और भाई इधर पास में ही आ चुकी हमारे सामने केव। चलिए मैं तुम्हें फिर से चैलेंज करता हूँ टीम मैग्मा के टू जैसे बंदे। तो चलिए देख लेते हैं, इसकी टोकी टिक आ चुके हैं हमारे सामने। फायर फैंक या तगड़ा वार, 440 अभी तक बची हुई, फिर से हम करेंगे फायर फैंक के साथ। लेकिन अब की बार हमारा मिस हो चुका है, लेकिन कंफ्यूज हो चुका है 4 मिलियन, फिर से हम करेंगे फायर फैंक के साथ। और गाइस टोकी टिक फाइनली हार चुके यू चुटकियों में। तो चलिए आखिरकार आर्चियोप्स आ चुका है हमारे सामने, ड्रैगन वेथ किया, अभी तक बहुत सारी एसपी बची हुई है गाइस। फिर से हमने ड्रैगन वेथ किया, उसका मिस हो चुका है या पता नहीं, लेकिन फिर से एक और बार 3 बार ड्रैगन वेथ के साथ आर्चियोप्स को हमने हरा दिया। और भाई मेगा एरोडैक्टाइल आ चुका है फ्लाई करने के लिए, ऊपर गया, फ्लाई फाइनली लगा, लेकिन ड्रैगन वेव भी हमारा लग चुका है। 707 अभी तक बची हुई, फिर से हम करेंगे, लेकिन उससे पहले थंडर पैंक के साथ 4 मिलियन को हरा दिया इसने। तो ठीक है, अब की बार हमने स्नोरलैक्स चुना, यौन अटैक करेंगे हम पहली बार, और बाद में हम बॉडी स्लैम देंगे। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है आगे। बॉडी स्लैम फाइनली फायर पैंक उसने किया, और फाइनली कुछ ज़्यादा असर नहीं, 400 एचपी अभी तक बची हुई। और अब की बार फाइनल हम चुनेंगे अपने स्क्वर्टल को, देखते हैं। और फाइनली हमने वाच वाटल को चुन लिया, सॉरी। तो चलिए फ्लाई अटैक मिस हो चुका है, और अब की बार हम करेंगे वाटर गन के साथ तगड़ा वार। और भाई साहब तगड़ा सुपर इफेक्टिव रहा, लेकिन बच चुका है मेगा एरोडैक्टाइल, कुछ ज़्यादा असर नहीं आइस फैंक के साथ। और फाइनली एक और वाटर गन के साथ मेगा एरोडैक्टाइल को हमने हरा दिया है गाइस, जिसके साथ हमारी 29 लेवल अप भी फाइनली हो चुकी है गाइस। तो चलिए फटाफट से हम केव के अंदर चले जाते हैं यार, लेट्स गो। केव में जाने के लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं करनी पड़ी, लेकिन 1 मिनट तो लगा। तो चलिए फाइनली हम आ चुके हैं केव में, जिसमें टीम मैग्मा फिर से हमें एक और बार देखने के लिए मिल जाती। और भाई इधर माइन के अंदर पहला एक बंदा इधर कुछ सॉल्व करने के लिए आ चुका है, हम इसके साथ बातचीत करेंगे। 100 एक्सपीरियंस हमें अभी तक मिल चुका है नूगट के साथ। तो चलिए नेक्स्ट बैटल होने वाला है हमें फिर से टीम मैग्मा के बंदे के साथ, देख लेते हैं कौन सा पोकेमोन हमारे सामने आता है इस बंदे का। और भाई जूबेड आ चुका है, फायर फैंग करे क्या। तो ठीक है, हमने फाइनली ड्रैगन बेथ कर दिया है, फायर फैंग हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, देखते हैं कितना असर होता है फायर पैंक के साथ। और फाइनली जू बैट एक ही तगड़े हमले में हार चुका है, और भाई वो बैट आ चुका है आपकी बार, फिर से हमने कर दिया फायर पैंक। और भाई देखते हैं, अभी तक कुछ ज़्यादा असर नहीं, लेकिन फिर से हमारा फायर पैंक मिस हो चुका है, फिर से हम करेंगे एक और बार फायर पैंक के साथ। वो बैट फाइनली हार चुका है हमारे सामने, देखते हैं। और भाई नोई बैट आ चुका है, ड्रैगन बैट हमने किया, कुछ ज़्यादा असर नहीं, लेकिन 400 एसपी अभी तक बची हुई, फिर से हम करेंगे अब की बार फ्लाई अटैक, उसका मिस हुआ, फ्लाई फाइनली लग चुका है। फाइनली नोई बैट हार चुका है हमारे सामने, नोई वरना अभी तक दिखा नहीं। तो चलिए आगे तो दिखे जाएगा गाइस 30 लेवल तक। तो चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट बंदे के लिए आगे बढ़ लेते, लेकिन उससे पहले इस पोकेमोन के साथ हमारी एंट्री हो जाती। डक्ट्रियो आ चुका है, लेकिन हम सेल्फ भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमें जाने नहीं दे रहा, ये कुछ लड्डू प्रसाद खाने की कोशिश कर रहा है हमरे से। तो चलिए एक लड्डू दे दिया हमने फायर पैंक के साथ, अब की बार हमने फाइनली सक्सेसफुल से भागने की कोशिश करके हम भाग ही चुके। तो चलिए एक और बार हमारे सामने टीम मैग्मा की गर्ल आ चुकी हमारे साथ प्रपोज करने के लिए, माइंड मैप दिया। तो चलिए फटाफट से आगे हम एक और बंदे के पास आ चुके बैटल करने के लिए, मैं तो हमेशा ही रेडी होता हूँ। तो चलिए हेली ऑप्टाइल आ चुका है फायर पैंक के साथ, तगड़ा वार किया एक ही बार में,
खुश हो चुकी है। और भाई ये तो सन एंड मून का पोकेमोन है इसका नाम, तो हमें पता नहीं वेनाशॉक मिस हो चुका है, फ्लाई फाइनली लगा इसके ऊपर। और भाई अभी तक बचा हुआ है हमारे चार मिलियन के सामने, फिर से एक और बार फ्लाई किया और लगा ये भी हार चुका है हमारे सामने, देखते हैं यार। और भाई स्क्रैगी आ चुका है हमारे सामने, फ्लाई अटैक हमने किया, एक ही वार में खुश हो चुका है पिद्दिशा स्क्रैगी। तो चलिए फटाफट से 3-star विक्ट्री के साथ हम आगे बढ़ते हैं यार, लेट्स गो माइंड मैप के लिए। आगे हम आ चुके एक और बंदे के पास, तो चलिए देखते हमें मैप कहाँ से मिलेगा, एक बुढ़े को हमें मैप देना होगा। तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ लेते हैं यार, वो माइनर आ चुका है एक और बार हमारे साथ डेंजर बताने के लिए, हमारा नाम ही डेंजर है, क्या तू डेंजर बताएगा। तो चलिए फटाफट से, और भाई पीछे एक पोकेबॉल था लेकिन रुको हम बाद में लेंगे, हमें अभी तक एक भी पोकेबॉल हमने नहीं लिया। तो चलिए फटाफट से एक और बैटर के लिए हम रेडी, फायर फैंग के साथ मैग्नेमाइट पे हमने किया और देख लेते हैं 0 HP में खत्म मैग्नेमाइट, देख लेते हैं। और भाई ये बहुत रेयर पोकेमोन हमें लगता है, लेकिन एक और फायर फैंग के साथ ये भी हार चुका है हमारे सामने। नेक्स्ट स्कॉर्मरी आ चुका है फायर फैंग के साथ, देखते हैं कितना बचता है, लेकिन क्रिटिकल हिट लगा सुपर नहीं, लेकिन फिर से हम करेंगे एक और बार फायर फैंग और स्कॉर्मरी हो चुका है डिफीट। तो चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट बैटल के लिए 3-star विक्ट्री के साथ आगे बढ़ लेते हैं यार। अब और भाई आपकी बार 500 एक्सपीरियंस मिल चुका है, हम अब इस वीडियो में 30 लेवल लगातार कर ही जाएंगे और भाई इसके साथ हम बाइसिकल तो लेते ही जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन रुको एक पोकेबॉल लेने के लिए हम पीछे मुड़े, इसके साथ जियोडूड आ चुके हैं हमारे सामने। तो चलिए फिर से हम इसको छोड़ के हम फटाफट से पोकेबॉल लेने के लिए आगे बढ़ लेते हैं, पिकअप हमने कर लिया और वाटर स्टोन फाइनली हमें मिल चुका है गाइस। तो चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट बैटल के लिए आगे बढ़ लेते हैं, बैटल का नाम लिया और भाई जियोडूड हाजिर, जय हो मेरे आका की, तुम जाने दो, तुम मेरे साथ नहीं लड़ सकते। तो चलिए फटाफट से हम माइंड मैपिंग के लिए एक और बंदे के पास, लेकिन रुको इस पोकेबॉल को हम नहीं उठा सकते और भाई ये बर्ड कीपर आ चुका है हमारे साथ लड़ने के लिए। तो चे रेडी हो मेरे भाई, पीजी ऑटो है इसके पास, तगड़ा वार हमारा मिस हो चुका है, फिर से हम करेंगे फायर फैंग, 400 HP अभी तक बची हुई है, बर्न हो चुका है पीजी ऑटो, फिर से हम करेंगे एक और वार में पीजी ऑटो को खलास, देखते हैं नेक्स्ट पोकेमोन इसका। और भाई फ्लेचिंडर आ चुका है, शायद ड्रैगन ब्रेथ के साथ हार चुका लेकिन नहीं, फ्यूरी अटैक कुछ ज़्यादा आसान नहीं, फिर से अब की बार हम फ्लाई अटैक करेंगे, फ्लेम चार के साथ इसकी स्पीड बढ़ेगी, फेदर डांस अब की बार डिफेंस कम हुआ, फिर से हम करेंगे एक कोर स्क्रैच के साथ फ्लेचिंडर को समाप्त। और भाई ये तो सन एंड मून का पोकेमोन है, फायर फैंग हमने किया कुछ ज़्यादा असर नहीं, फ्लेम चार्ज इसने यूज़ कर दिया है फाइनली, लेकिन इसकी अटैक मतलब स्पीड ही बढ़ी, लेकिन जाने दो फ्लाई अटैक उसने पहले किया हमारा बाद में लगा, लेकिन झटका वाव। तो ठीक है अब की बार फाइनली हम उसने स्टील विंग किया, हमने फायर फैंग के साथ इस पोकेमोन को हमने हरा दिया गाइस। तो चलिए फटाफट से हम 3-star विक्ट्री के साथ आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन एक पोकेमोन एक ट्रेनर ने पोकेमोन पकड़ा है कुछ ज़्यादा नहीं, पता नहीं क्या नहीं, लेकिन उससे पहले एक और बंदा चिका है हमारे सामने बैटल के लिए गाय। और भाई रुको एक पॉइजन टाइप पोकेमोन है ट्रू विश, और भाई तुम्हें पॉइजन ए अटैक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम हारने वाले नहीं है, फायर फैंग हमने किया वो हार चुका है, लेकिन ये एक पोकेमोन आ चुका है वाटर टाइप का, हमने ड्रैगन ब्रेथ की पहले कुछ ज़्यादा इसका असर नहीं, अब की बार हमने फ्लाई किया, देखते हैं कितना असर होता है, और फाइनली ये अभी हारा नहीं है गाइस, लेकिन रुको 83 अभी तक बची हुई है और फाइनली हमने फ्लाई के साथ इसको हरा दिया है गाइस, इसका मिस हो चुका है। और देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन, और भाई ये भी सन एंड मून के पोकेमोन आ रहे हैं हमारे सामने लगातार, 500 HP अभी तक बची हुई है, देखते हैं गाइस। और भाई अब की बार इसने गाइस हेल किया खुद को ही, लेकिन रुको हम फिर से दो फ्लाई अटैक करेंगे अब की बार, देखते हैं क्या असर होने वाला है, लेकिन हील अब की बार मत करो यार प्लीज। और भाई फाइनली फ्लाई के साथ हमने इस पोकेमोन को हरा दिया है गाइस, 100% 3-star विक्ट्री के साथ हम फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं यार, लेट्स गो। और भाई फाइनली हमें आखिरी में ये दोनों बंदे को एक साथ हराना होगा, आ जाओ भाई दो एक साथ आ जाओ, लेकिन एक ही आया है देख लेते। और भाई ये तो तगड़ा बड़ा वाला पोकेमोन है गाइस,
लेकिन रुको, हमने फायर पैंक की, अब की बार उसका पेले लगा, लेकिन एक ही पोकेमोन, एक ही अटैक की जरूरत है हमें, लेकिन उसने पहले हमारे ऊपर हमला किया 83 और लेकिन हमारा मिस हो चुका है गाइस। लेकिन रुको, रोल आउट के साथ 4 मिलियन को इसने हरा दिया। लेकिन रुको, एरोडैक्टाइल को हमने बुलाया विंग अटैक के साथ, फाइनली लगा और फाइनली वेनिपीड ही क्या इसका नाम, नहीं वेनिपीड नहीं, और भाई ड्रैपियन आ चुका है हमारे सामने। एशियन पावर किया हमने हमला, देखते हैं कितना असर होता है इसके ऊपर। कर ले बेटा एक्यूप्रेशर, कर ले, देख लेते हैं कितना बचेगा तू हमारे साथ। और भाई तगड़ा वार नहीं लगा, लेकिन विंग अटैक के साथ 121 अभी तक बची हुई, फिर से हम करेंगे एक और वार के साथ ड्रैपियन खल्लास। तो चलिए देख लेते हैं, आखिरी वाला मेगा बिट्रेल आ चुकी है, देखते हैं। और भाई एक ही वार में खल्लास हो चुकी है मेगा बिट्रेल, देखते हैं 2-स्टार विक्री के साथ हम नेक्स्ट बैटल। लेकिन वो दोनों के दोनों भाग चुके हैं हमारे सामने से। तो चलिए हमें फिर से एक ओल्ड मैन यूज से मिलना होगा, यही नाम है क्या उसका। तो चलिए फटाफट से हम फाइनली इसके ओके बाहर आ चुके, देखते हमें किसके साथ हम फिर से उसे रास्ते से बाहर आ चुके। और भाई युवा नाम इज बुढ़े आदमी का, देखते हैं। और भाई फाइनली यार हम यहीं पे रुकने वाले, ऑनलाइन गिफ्ट और भाई रिपेल आ चुका है हमारे बैग में। तो चलिए फटाफट से हम एक और, मतलब हमें अगले वाले मिशन के लिए मिर्ची साइंटिस्ट के पास आ चुके। पहली बार मैंने मिर्ची हमारी तरह नाम सुना इन बंदों का, लेकिन इससे आगे जाने के लिए हमें ज़रूरत होगी 30 लेवल की। तो चिंता मत करो मेरे भाई, हमें कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, हम फटाफट से अपने मेन मिशन क्विस्ट में जाके लगातार मिशन को हम क्लैम करेंगे और हमारी 30 लेवल कंप्लीट करके हमें बाइसिकल खुद को लेंगे गाइस। तो चलिए फटाफट से हम क्विश में जाके अपने मिशन कंप्लीट करते हैं यार, डेली के मिशन, लेट्स गो। हमें गाइस अब की बार सिर्फ 6 एक्सपीरियंस ही लगेगा। हमने एक और बार स्पिन किया और इसके साथ फाइनली गाइस हमारी 30 लेवल अप हो चुकी यार। फटाफट से हम अपने ऑल अबाउट क्लैम करने के लिए बढ़ लेते हैं आगे। बाइसिकल किधर मिलेगा हमको, जल्दी से बाइसिकल दो हमें। तो चलिए इधर हम डेली में, हमें तो इधर कुछ नहीं मिला। और भाई ऊपर वाले सेक्शन में हम देखते हैं किधर हमें, और भाई रुको अपग्रेड हम फटाफट से कर लेते कुछ ज़्यादा। लेकिन फाइनली अभी तक 20-30 लेवल अप हमारे हो हुई नहीं है, इधर हम एक और क्लैम कर लेते हैं गाइस। तो चलिए इसके साथ इधर एक पोकेमोन स्टार अप का क्लैम हमने कर दिया है इधर यार 7 days, इधर 2 days का भी हम फटाफट से क्लैम कर लेते। 2 days में भी हमें एक और रिवॉर्ड मिल चुका है गाइस, और नीचे वाला भी हमें मिल चुका है टायरानिटार का शार्ट। तो चलिए अब की बार फाइनली हम बेनिफिट्स में आ चुके लेवल अप में, फाइनली हमने यूज नाउ पे क्लिक कर दिया और फाइनली हमें मिल चुके बाइसाइकल। और भाई तब तक के लिए गुड बाय मेरी यार, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे भाई लोग, और हम फिर से आएंगे एक और नई तगड़ी वीडियो को लेके यार। तब तक के लिए गुड बाय मेरी यार, बाय बाय।